झारखंड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक फार्मूला डेराइव किया था, ई इक्वल 1/4πε0 q/r। ठीक, अब आगे के जो टॉपिक है उसमें इस फार्मूले का यूज है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है, और उसके बीच की फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर वो सिचुएटेड है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। अब इनके बीच की डिस्टेंस ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, तो ऐसा जो सिस्टम बन के निकल रहा है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डिफिनेशन क्या बनेगी? टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस अटैच एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर एक फिक्स डिस्टेंस पे सिचुएटेड है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपका आंसर होगा सर कि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव मिला के क्या हो गया? जीरो। तो फिर क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करेगा? तो हमारा आपसे आंसर है यस। कि सपोज करिए दिस इज पॉजिटिव चार्ज एटम, दिस इज निगेटिव चार्ज एटम, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा 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 और एक दूसरे से कोलैप्स करेंगे। तो पॉजिटिव का ये सेंटर है, निगेटिव का ये सेंटर, तो दोनों सेंटरों के बीच की जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड हो जाएगी। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इधर है, टोटल निगेटिव चार्ज इस सेंटर पे, तो दिस इट मींस दे फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल सा एग्जांपल क्या है? NaCl, CO2, बहुत सारे एग्जांपल है। क्लियर? तो द मॉलिक्यूल्स मेक्स टू टाइप्स ऑफ डाइपोल, दो तरीके के डाइपोल बनाते हैं। एक तो डाइपोल विदाउट एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं, एक है कि जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब जाके वो पोलर फॉर्म में आएंगे। तो इसके लिए पोलर और नॉन पोलर क्या है? व्हेन अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड एंड हैव अ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि कोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर बहुत सारी चीजें सबका सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई गई, तो व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, मतलब कि सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज, इन दोनों के सेंटर एक ही पॉइंट पे नहीं, अगर एक पॉइंट पे होते तो ये नॉन पोलर कहलाता, क्योंकि इनके सेंटर के बीच की एक फिक्स डिस्टेंस आ रही है, यानी अलग अलग पॉइंट पे इनके सेंटर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? पोलर बोलेंगे। दीज आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स और डाइपोल्स, इन्हीं को पोलर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, इन्हीं को हम डाइपोल कह सकते हैं। अगर पूछे कि व्हाट इज द पोलर यानी डिफाइंड पोलर मॉलिक्यूल, तो आप बताएंगे कि व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर। नॉन पोलर क्या होंगे? नॉन पोलर का मतलब है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेंटर कोसेंट्रिक हो जाए, यानी एक ही पॉइंट पे लाइक है। इफ द पॉजिटिव इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज कोइंसाइड देन ओनली अंडर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अ डिस्टेंस इज क्रिएटेड बिटवीन देम एंड दे बिहेव एज ए डाइपोल। मतलब कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और यही निगेटिव चार्ज का सेंटर हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये डाइपोल की तरीके बिहेव नहीं करेगा। ये डाइपोल की तरीके बिहेव कब करेगा? जब इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे
तो फील्ड की डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, उस पर डायरेक्ट उसके अपोजिट निगेटिव पे लगेगा, तो फील्ड इन पॉजिटिव निगेटिव पे एक फोर्स लगाएगी, फोर्स उसको क्या करेगा, स्ट्रेस करेगा, तो दोनों के सेंटरों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी, फिर वो डायपोल के तरीके बिहेव करने लगेगी। वो आगे हम लोग जब कैरेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ से आज हम लोगों ने सीखा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस अटैच्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल एन सी एल, दे आर टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मतलब इफ द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डज नॉट गो इन साइड दिस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर। और जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के एक ही पॉइंट पे सेंटर लाई करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। क्लियर? तो पोलर मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक एक्सटर्नल फील्ड जीरो। अगर हमें किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे तो एज ए डायपोल ये बिहेव करने लगेगा। क्लियर? अब इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ये डिस्टेंस हम लोग टू एल कंसिडर करते हैं। सपोज इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज। अगर पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और मैथमेटिकली फार्मूला बन जाएगा क्यू इंटू टू ए। क्यू मीन्स वन चार्ज ऑफ डाइपोल, चाहे प्लस वाला ले चाहे माइनस वाला ले, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन ले नहीं है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी। ट्वेल्व डिस्टेंस बिटवीन देम, इस ट्वेल्व को हम डाइपोल लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ। तो अगर पूछे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम और लेंथ की हो गई मीटर, तो यूनिट आ गई कूलाम मीटर। ओके, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो आज का ये टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमने आपको डेफिनेशन बता दी, इसके टाइप्स बता दिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो वहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो आपने बोला कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए वो फार्मूला डेराइव करेंगे। सो स्टूडेंट, जिसका अगर पिछले वीडियो छूट गए हैं, जिसने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल पे जाइए, पिछले वीडियो को आप आराम से देखिए, उसमें कोई डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, आपको उसका सलूशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।